तो ये हम असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, बट यहाँ में बहुत ही सारा ट्रैफिक है। तो ये हम अंदर घुस चुके हैं टॉप 10 के लिए। तो मैंने टॉप 10 को ही पिक कर लिया एसिस्ट के लिए। एक्चुअली मैं अपने एक भाई का फीस सबमिट करने आया हूँ। मेरा एक और भाई यहाँ में पढ़ता है, वो थोड़ा सा शर्मीला है कैमरा में, तो मैं उसको आप लोगों को नहीं दिखा सकता। बट मान लीजिए टॉप 10 के लिए आया हुआ है, तो टॉप 10 को ही भाई कंसिडर करके, बट फीस किसी और का जमा करने जाना है। माई ब्रदर इज़ स्टडिंग BBA, ये भी BBA में, वो भी BBA में पढ़ाई कर रहा है, तो उनका फीस देने आया हूँ मैं। तो अभी काफ़ी समय बाद असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी आया हूँ, थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ, एंड अगर ड्रोन का परमिशन मिला तो उड़ा लेंगे। वैसे भी फ़ायदा तो प्रमोशन तो कॉलेज का ही होने वाला है, एंड इट्स अ गुड कॉलेज। बट मैं भी यहाँ में पहले पढ़ा करता था और मैंने बीच में स्टडीज़ छोड़ दिया था। अभी मैंने क्यों स्टडीज़ को क्विट किया असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में, वो मैं आगे आपको कैंपस में बैठ के बताता हूँ। लेट्स गो। तो गाड़ी को हमने जे ब्लॉक के सामने में पार्क किया है। अभी मैं और यूसुर एक छोटा सा तोड़ लेंगे फीस सबमिट करने से पहले। फीस सबमिट कहाँ में था BBA का? वही यहाँ में भी कर सकता हूँ। यहाँ में भी कर सकता है ना, ठीक है। तो फीस भी सबमिट कर लेगा, साथ साथ थोड़ा घूम भी लेते हैं। बहुत दिन बाद असम डाउनटाउन आया, थोड़ा देखते हैं क्या क्या अपग्रेड और मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है जे ब्लॉक, दिस इज़ फॉर BBA स्टूडेंट्स। वहाँ लिखा हुआ है जे ब्लॉक। बहुत सारा डिपार्टमेंट। ओके, ये हम जे ब्लॉक के 5th फ्लोर में आ चुके हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। आपका क्लास किधर है बोले? उधर है 507। उधर नहीं जाएगा, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आदमी लोग हैं, हमको मार वार देगा तो क्या करें। ये यूसुर हमें लीड करते हुए टुवर्ड्स द कैंटीन। जब मैं यहाँ में पहले पढ़ा करता था तब कैंटीन को जिरोनी कहते थे। अभी भी जिरोनी कहते हैं क्या? वो बी ब्लॉक का कैंटीन को जिरोनी कहते हैं। बी ब्लॉक का उसको जिरोनी कहते हैं। इधर का क्या कैंटीन? कैंटीन है, रिसेंटली बनाया है ऐसा। वाओ, यहाँ का एम्बियंस तो, और ये तो दाम ही हो गया था। मच मोर लाइक ए कैफे। ओके, हम जे ब्लॉक से निकल चुके हैं। फीस वीस का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, एंड अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि रुको, यहाँ में रुक जाओ। इसको क्या वो यहाँ में क्या थिएटर? एम पी थिएटर। यहाँ में एटीट्यूड फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है, सो काफ़ी ग्रैंड और सही है। तो ये है हमारा ए ब्लॉक जहाँ में मैं पहले फिजियोथेरेपी कर रहा था। ये है बी ब्लॉक जहाँ में खूबसूरत लड़कियाँ रहती थी माई टाइम, अभी मुझे पता नहीं। यूसुर इज़ हियर। तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे कुछ खाने के लिए, एंड आई टेल यू द रीज़न व्हाई आई लेफ्ट असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ मैं सबको आपको एक साथ बताता हूँ। ये है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का कैंटीन को यहाँ में कहा जाता है, वहाँ में लिखा होगा जिरोनी 1 है ये ना यूसुर। यहाँ पे पहले हम चैंपियन हुआ करता था, बिकॉज हम पहले यहाँ में 15-20 गर्ल्स को लेके अकेला फीड करने आता था। हमको कैंटीन वाला भी मानता था, सकता है बोल के। तो यहाँ में हम बात करने वाले थे द रीज़न वाई आई लेफ्ट असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, बट काफ़ी सारा नॉइज़ है, तो हम रास्ते में चल चल के बात करेंगे जहाँ में थोड़ा मेरा वॉइस भी ऑडिबल ज़्यादा होगा। हाँ चलो। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये हुआ करता था मेरा ब्लॉक। दिस इज़ ए ब्लॉक, दिस इज़ हाउ द ब्लॉक लुक्स लाइक। मैंने पूरा कैंपस का ओवरव्यू दिया हुआ है ब्लॉक। चलो, और तो कुछ दिखाने के लिए नहीं, वापस चलते हैं। ये भी हॉस्टल हो गया ना अभी। हाँ, तो ये जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं, द एज ब्लॉक इज़ कम्प्लीटली फॉर हॉस्टल पर्पस। बॉयज़ हॉस्टल है ना, गर्ल्स का आगे पे था। हम घूम फिर के फिर से जे ब्लॉक आ चुके हैं, और आगे PV थिएटर में बैठ के बात करते हैं। बाय द वे, मैं आपको इनसे मिलाना भूल गया। मीट मिस्टर टॉप 10 यूसुर,
द मोस्ट हैंडसम एंड फेमस व्लॉगर ऑफ तवांग या बैठते हैं। ऑल्सो हर तवांग के हर लड़की के दिल पे राज करते हैं, द बेस्ट इन तवांग। तो अभी मैं आपको इसे पकड़ दूँ ना, लाइक ठीक से आ रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ द रीज़न वाई आई लेफ्ट असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। ऑल्सो आज तो मैं बस अपने भाई के एग्ज़ाम फीस को सबमिट करने आया था, सेमेस्टर फीस को सबमिट करने आया था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट द रीज़न आई लेफ्ट असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी इज़ दैट कि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था 3 साल पहले यहाँ में, और जस्ट लुक एट मी द वे आई लिव द वे आई एम, मुझे नहीं लगता कि मैं डॉक्टर बन पाता। और काफ़ी सारे बैग्स भी ऑलरेडी लग चुके थे एंड आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि बहुत डिफ़िकल्ट होता फॉर मी टू डू ए कोर्स लाइक फिजियोथेरेपी। सो मैंने वो सब चीज़ को ही कैलकुलेट करते हुए मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ दिया था। आई वोंट से कि कॉलेज बहुत बुरा है, कुछ लोगों का काफ़ी अरुणाचली लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब हम कॉलेज लाइफ ज्वाइन करेंगे काफ़ी सारा मजाक मस्ती करेंगे घूमेंगे फिरेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आई वुड से दिस कॉलेज इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज एक तो द जो कॉलेज है असम डाउनटाउन इट्स इन द प्लेस कॉल्ड पानी खेती, एंड बाई पानी खेती आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना आउटस्कर्ट्स में है। दिस इज़ इन गुवाहाटी बट इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, तो आपको उतना मज़ा मस्ती नहीं मिलने वाला है। बट फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि येस इट इज़ अ गुड कॉलेज फॉर दोज जो लोग एक्चुअली पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं, वैसे लोगों के लिए दिस इज़ अ कॉलेज फॉर यू। एंड अदर देन दैट मेरा तो ये कॉलेज के साथ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। बुरा रहा क्योंकि मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था व्हेन आई वाज जॉइनिंग असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे सामने में बड़े बड़े मॉल सिटी का व्यू ऐसे घूमने उमने मिलेगा, बट सबसे बड़ा रियलिटी चेक यहाँ आके वही मिला कि इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी। तो हमेशा घूमने के लिए मैं बाहर जाता था और मैं क्लास भी उतना अटेंड नहीं करता था, काफ़ी बंक करता था, मैं बदमाश काइंड वाला लड़का था और मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया था। शायद कुछ अलग बीए वगैरह करता तो शायद समहाउ कंप्लीट भी कर लेता, बट मैंने एक्चुअली गलत कोर्स चूज़ किया था इसलिए मैंने असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया, नॉट फॉर एनी अदर रीजंस। सो यही है, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए कॉलेज अच्छा है, जो लोग नहीं पढ़ते आई वोंट थिंक कि यू विल बी लास्टिंग ईयर, और लास्ट भी करोगे तो बहुत डिफिकल्ट से। सो या दिस वॉज माई रीज़न टू लीव असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अलग कॉलेज दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था, आई डिड माई बीए देयर, मेरा बीए भी एक्चुअली हो चुका है, इट्स बिन 3 ईयर्स नाउ, मतलब 3 साल हो गए डाउनटाउन छोड़ के, उसके बाद 3 साल में मैंने अपने बीए कर लिया। अभी मैंने कहाँ किया किधर किया वो सब मैं नहीं बताऊँगा, इट्स इन दिल्ली, बट कॉलेज वाले छोड़ दो थोड़ा प्राइवेसी है। तो मैंने बीए में भी कौन सा कोर्स किया वो भी थोड़ा टॉप सीक्रेट है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यस हम लोग आज डाउनटाउन यूनिवर्सिटी बस वही आए थे और आपको भी दिखाने के लिए। सो नाउ अभी हम लोग बाहर जाएंगे, बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही है, यहाँ का कैंटीन में उतना हैवी खाना नहीं मिलता, तो हम लोग बाहर कहीं जाएंगे। आई टेक यूसर अलॉन्ग विथ मी, हम लोग करियर भी मैंने अपने बहन को भी हॉस्टल से पिक कर लिया, शी इज़ वेटिंग देयर। हमारा 24 को यहाँ में उसका क्या था किंग का कॉन्सर्ट है, तो हम किंग का कॉन्सर्ट अटेंड करके वापस अरुणाचल जाएंगे, तब तक के लिए हम लोग यहीं में हैं। और अभी मैं अपनी बहन को लेके घूमने चलता हूँ, चलो ना कुछ खाने जाएगा घूमने जाएगा चलो। ओके तो ये हम असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों की भूख लगी हुई है। वंस अगेन द बॉयज़ हॉस्टल, तभी हम यहाँ से जाएंगे अपने दोस्त के घर वापस, मैं अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ और मैंने जैसे बताया आई एम टेकिंग यूसर अलॉन्ग विथ मी लंच करने के लिए, हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे, बहुत अच्छा भाई है हमेशा असिस्ट करता है। ऑल्सो अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ आप बहुत लड़की देख रहे हैं मुझे सुनने में, तो वही क्या नहीं लड़की नहीं देखता ठीक है। चलो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, सीधा आपको बाहर में मिलते हैं, पहले नायर को पिक करेंगे उसके बाद हम लोग कुछ खाने को चलेंगे। तो ये हमने नायर को पिक कर लिया है, नायर हेलो। तो नायर को पिक करके अभी हम लोग लंच करने जाएंगे, उसके बाद नारंगी में तो वैसे कुछ घूमने का जगह है नहीं, बस अगर मिलेगा तो एक एलजी था और वहाँ में ऐसे ही जाके देख वेख लेंगे। यूसुर आगे में है, नायर यहाँ में है, हम लोग अभी दबा के लंच करेंगे, लंच करने के बाद विल टेक अराउंड मार ही डाला था अभी तो। ओके बैक टू लजीज आफ्टर सो मेनी इयर्स, एक अच्छा खाना खाएंगे नहीं सब बैठ जाओ, आ जाओ बैठो।
लंच करने के बाद अभी जाएंगे आगे। बाय द वे, खाना इस बार पता नहीं इतना मज़ा नहीं आया। पहले सालों पहले बढ़िया हुआ करता था, अब थोड़ा सा टेस्ट जो है फीका पड़ गया। आगे चलते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। दाऊद मत करो, हम लड़का का साथ सो रहे हैं। That was it for this video and I hope you guys enjoyed it. If you did, don't forget to give this video a thumbs up. Make sure you subscribe to my channel. And as always, thank you for watching till the end. As I said earlier, you guys are amazing. Peace. 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 पहले outro shoot करने का जगह नहीं मिला, इसलिए सोते सोते कर रहे हैं वाले रीडिंग। Bye bye. See you in the next video. कल हम King के concert में जा रहे हैं। So तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा। काफी मजा आएगा। सी यू टुमारो।